सो गाइस आप सभी लोग अभी साइड में यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो, मैंने कल वाली अपनी 2.0 चैनल जो है उस पर वीडियो अपलोड करी और वो वीडियो भी मेरी वायरल हो गई। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना अपलोडिंग का तरीका बदला है, तब से मेरी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो गई है। और आप लोगों को मालूम होगा यूट्यूब की शॉर्ट्स की जो एल्गोरिथम है वो भी कई बार चेंज होती रहती है, ऐसे में शॉर्ट्स का अपलोडिंग का तरीका भी बदलता है और उसी से मैंने अपनी वीडियो को वायरल करवाया। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ शॉर्ट आपको किस तरीके से अपलोड करनी है और वो परफेक्ट तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे मेरी शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई और वही तरीके से मेरी वीडियो वायरल हो गई। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तरीका सीख लेना फिर अपलोड करना, आपके कॉन्टेंट में दम होगी तो एक दिन में ही आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। तो कौन सा वो तरीका है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी आप लोग साइड में देख सकते हो मैं यूट्यूब की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैंने प्लस पे जैसे ही क्लिक किया तो गाइस यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल गए। सबसे पहला क्रिएट अ शॉर्ट, अपलोड अ वीडियो और गो लाइव। गाइस यहाँ पर कई सारे लोग एक गलती कर देते हैं, जो कि ये गलती है सबसे बड़ी कि वो लोग क्रिएट अ शॉर्ट पर क्लिक करके अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हैं। गाइस ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, आपको हमेशा अपलोड अ वीडियो पर ही क्लिक करके शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना है। अपलोड अ वीडियो पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पर आप लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे ना तो वो शॉर्ट फीड में डेफिनेटली जाएगी। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि सेकंड वाले ऑप्शन से अपलोड करेंगे तो शॉर्ट फीड में नहीं जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहली गलती आपको नहीं करनी है कि आपको क्रिएटर शॉर्ट पर कभी भी अपलोड नहीं करनी है, आपको हमेशा अपलोड अ वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया सिंपली आपको एक वीडियो को सेलेक्ट करना है और सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। अब प्रोसेस को सुनते जाना क्योंकि यहीं से वो प्रोसेस शुरू होता है जहां से आपकी वीडियो प्रॉपर तरीके से अपलोड होती है। एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गोरिथम एकदम आपकी वीडियो को अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाती है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चैनल का नाम वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइटल डालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइटल अपना सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइटल है फनी शॉर्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया फनी शॉर्ट। टाइटल आपको यहीं से डालना है, बाकी काम आपको बाद में करना है और कैसा क्या काम करना है वो भी सुनते जाना। ट्रिक है इसमें, तभी वो शॉर्ट वीडियो वायरल होती है, शॉर्ट फीड में तुरंत के तुरंत जाती है, ठीक है। एक घंटे के अंदर भी वायरल हो जाएगी, आपके कॉन्टेंट में दम होगी और इस तरीके से अपलोड कर लोगे तो ध्यान से सुनते रहिए। फनी शॉर्ट मैंने यहाँ पर टाइटल डाल दिया। आपको सिंपली यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन अनलिस्टेड दिख रहा है, वो मेरा सेलेक्ट है। पब्लिश नाउ पे आपको ना ही पब्लिक करना है, ना ही आपको प्राइवेट करना है, ना ही आपको शेड्यूल करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली सेकंड नंबर ऑप्शन अनलिस्टेड पे क्लिक करके नीचे आने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अब देखिए मैं बैक कर देता हूँ यहाँ पर, अब नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑडियंस का, यहाँ पर दो चीज़ें पूछता है। आपका कंटेंट अगर बच्चों के लिए है तो आपको यस करना है, अगर बच्चों के लिए नहीं है तो नो करना है, बाकी एज रेस्ट्रिक्शन वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। इतना आप लोगों ने कर लिया, इस तरीके से आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपली गाइस हमको अपलोड पे क्लिक कर देना है। अब हम लोग लाइब्रेरी पे जाते हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो गई। अभी गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फनी शॉर्ट डाला और यहाँ पर ये ब्लू लाइन चल रही है, यानी कि आपकी वीडियो को एल्गोरिथम अब मॉनिटर कर रही है। अब यहाँ का काम हो गया खत्म, अब मेन काम शुरू होगा आपका YT स्टूडियो में। तो चलते हैं अपने YT स्टूडियो की तरफ। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने YT स्टूडियो पर और यहाँ पर मेरी वीडियो है 28 सेकंड पहले यहाँ पर क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। अब सिंपली गाइस हमको इस पर क्लिक करना है, इसी तरीके से आपको सेम टू सेम फॉलो करना है स्टेप, तभी आपकी वीडियो जाएगी। और प्रीमियर करना है या फिर शेड्यूल करना है या फिर अनलिस्टेड करके अपलोड करना है वो भी बता दूंगा, वही टेक्निक है जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, उसी से वायरल होती है। सुनिए सिंपली पेंसिल वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइटल मैंने डाला फनी शॉर्ट। अब आपको एक और काम करना है, यहाँ पर आपको एक हैशटैग जरूर ऐड करना है जो हर बड़ा यूट्यूबर मैं बोल रहा हूँ ना वो यूज करता है। क्या करना है, शॉर्ट्स डालना है आपको, क्योंकि शॉर्ट्स हैशटैग शॉर्ट्स में आप देख सकते हो कितने करोड़ चैनल्स में डाला हुआ है और कितने करोड़ वीडियोज में ये हैशटैग का डाला हुआ है। तो सिंपली आपको हैशटैग शॉर्ट डालना है और यहाँ पर एक और फेमस यहाँ पर ऐड करना है, वो है यूट्यूब शॉर्ट, जिसपे 4.6 करोड़ वीडियोज में डाला जा चुका है। और एक और यहाँ पर आपको ऐड करना है, वो है आपकी शॉर्ट्स वीडियो 1.4 करोड़ वीडियोज में डाला गया। इतना आप लोगों ने डाल दिया, इतना ही आपको करना है। और आप लोग देख लेना मेरी हर वीडियो में यही तीन की हैशटैग डाले होते हैं, कुछ भी नहीं डाला होता, ठीक है। सिंपली गाइज हम लोगों को हूबहू पूरा का पूरा टाइटल यहाँ से क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, उसके बाद गाइज सिंपली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये पूरा का पूरा टाइटल कॉपी कर देना। और ये बात एल्गोरिथम भी कहती है, ये बात ट्यूबबडी भी कहता है, और ये बात vidIQ भी कहता है, यूट्यूब भी कहता है कि डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट कपल ऑफ लाइंस में टॉपिक सेलेक्टेड कीवर्ड्स डले होना जरूरी है अगर आपको वीडियो एक्चुअल में अपनी वायरल करवानी है, रैंक करवानी है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोग कुछ फेमस हैशटैग भी ट्रेंड मतलब डाल सकते हो, जैसे कि ट्रेंडिंग हो गया, जैसे कि शॉर्ट्स हो गया, एक और बार आप लोग डाल सकते हो। डालने के बाद अब आ जाना है अनलिस्टेड वाला काम, बाद में बताऊंगा, आप सुनते चलना, यहीं पर होता है खेल शुरू।
ऑडियंस पे आने के बाद यहाँ पर है बच्चों के लिए कंटेंट है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। आप लोग चाहते हो अगर कंटेंट बच्चों के लिए है तो यस कर दीजिए, वैसे आपको सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। एज रेस्ट्रिक्शन आपका ऑलरेडी यहाँ पर नो सेलेक्ट होगा, इतना ही रहने देना है। अब बात आते हैं मोर ऑप्शंस पे, यहाँ पर बोल रहा है टेक्स्ट डालने के लिए। हालांकि गाइज मैं अपनी वीडियोस में अब टेक्स्ट डालने मैंने बंद कर दिया है, विदाउट टेक्स्ट आप लोग देख सकते हो मेरी यूट्यूब सर्च में चलती है तो आपकी भी चलेगी, वायरल होगी तो 100% विदाउट टेक्स्ट आपकी शॉर्ट में डेफिनेटली चलेगी, यूट्यूब सर्च में डेफिनेटली आएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि और अच्छी तरह की मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स सर्च रिजल्ट्स में आए तो गाइज यहाँ पर आप लोग कुछ कीवर्ड्स डाल सकते हो, जैसे कि शॉर्ट्स आपने डाल दिया, जैसे कि आपने डाल दिया यूट्यूब और उसके बाद डाल दिया आपने शॉर्ट्स, ऐसे करके डाल दिया, एक और डाल दिया आपने ट्रेंडिंग डाल दिया, और जो भी आपके कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड्स है, जैसे कि आप कॉमेडी टाइप बनाते हो तो यहाँ पर डाल दिया आपने कॉमेडी डाल दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने जैसे फैक्ट की कॉमेडी वीडियोस डालते हो तो फैक्ट कॉमेडी या फिर कॉमेडी फैक्ट वीडियोस, इस तरीके से आपको टेक्स्ट डाल देने। उसके बाद गाइज एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको, क्या कैटेगरी का, कैटेगरी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट करने के लिए, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और जो भी कैटेगरी आपको एजुकेशन है एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एंटरटेनमेंट है एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेना, मेरी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड रहती है तो मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहती है तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, हालांकि अभी मेरी कॉमेडी है तो मैंने गाइज यहाँ पर क्या किया कॉमेडी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको भी इस तरीके से ये जरूर करना है, ये चीज मिस कर गए ना, यहाँ अगर आपकी कॉमेडी टाइप की वीडियो है या पीपल्स एंड ब्लॉग सेलेक्ट है कुछ नहीं होने वाला, खत्म है मामला, फिर तो रहने दो वायरल नहीं होगी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर कैटेगरी में अगर अपनी वीडियो को भेजोगे एल्गोरिथम प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर पाएगी, उसी टाइप की ऑडियंस तक वीडियो पहुंचेगी, धनाधन चुटकियों में वीडियो वायरल हो जाएगी, तो कैटेगरी जरूर सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है, विजिबिलिटी में आता है अनलिस्टेड वाला सेक्शन, आपको पब्लिक किस तरीके से करना है, क्योंकि पब्लिक करने का खेल है ना बहुत बड़ा है। सुनिए, डायरेक्ट पब्लिक करना मत कभी भी, हमेशा प्रीमियर करके अपलोड करना चाहते हो तो प्रीमियर करके आप अपलोड करोगे ना तो आपको थंबनेल लगाने का ऑप्शन अभी नहीं आएगा, सेव पे सिंपली क्लिक करना है, क्लिक कर दिया आपको सामने दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मैंने सेव कर दिया, अब जैसे हम लोग पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट्स में भी आप थंबनेल लगा सकते हो और प्रीमियर आपकी वीडियो इस समय के लिए प्रीमियर लगा सकते हो, तो प्रीमियर आपकी वीडियो मतलब एक मिनट पहले का काउंटडाउन चलेगा उसके बाद आपकी वीडियो प्रीमियर हो जाएगी, यानी कि अपलोड हो जाएगी और वो लाइव देखने लगेगी, ठीक है। उसमें आप थंबनेल भी लगा सकते हो, थंबनेल लगाओगे तो बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ए टू मोटिवेशन सर वो भी थंबनेल लगाते हैं, ऐसे बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, ठीक है ना, वो थंबनेल्स लगाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अपना मोमेंटो का वो भी थंबनेल लगाते हैं, तो इस तरीके से वो प्रीमियर में ही लगाते हैं, वो अपनी वीडियो को प्रीमियर करते हैं। हालांकि गाइज आपको प्रीमियर कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, और अगर आप प्रीमियर नहीं करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप अपनी वीडियो को शेड्यूल करिए, जैसे कि आपका मन है 10 मिनट बाद अपलोड करने का तो सिंपली गाइज क्या करना है, यहाँ से तारीख सेलेक्ट करनी है कि 8 अक्टूबर को मुझे, जैसे अभी टाइम हो गया 10:44 तो मुझे करना है 10:44 नहीं 10:55 पे अपलोड हो, तो 10:55 AM कर दिया और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको सेव कर देना है, ये करना है आपको, शेड्यूल जरूर करनी है, या तो शेड्यूल करिए या प्रीमियर करिए, डायरेक्ट पब्लिक मत करा करो, सही नहीं रहता, ठीक है ना। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी जो मैंने ये तरीका बताया है ना वो फॉलो कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपकी वीडियो डेफिनेटली वायरल होगी, यही प्रोसेस है यही तरीका है आपकी वीडियो को वायरल करवाने का, ठीक है। प्रीमियर मैंने हटा दिया है, चलिए तो यहाँ पर मैं शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है गाइज, तो यहाँ पर चलिए अनलिस्टेड करके फिर मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो गाइज ये प्रोसेस था, आप लोग फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसी तरीके से अपलोड करिएगा, डेफिनेटली रेस्पॉन्स मिलेगा। तो गाइज कैसी लगी वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, उम्मीद है आप लोग इसे फॉलो करोगे। मिलता हूँ ऐसी किसी अगली धमाकेदार शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।